हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। धमतरी से बड़ी खबर, जहां गांजे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से 10 क्विंटल 55 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,11,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से ट्रक में ये गांजा लेकर राजस्थान जा रहे थे। तो बुराई पुलिस की ये कार्रवाई है, एसपी प्रशांत ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे धमतरी से, जहां गांजे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से 10 क्विंटल 55 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,11,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो इस गांजे को आरोपी उड़ीसा से राजस्थान ट्रक में लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बुराई पुलिस ने कार्रवाई की। एसपी प्रशांत ठाकुर ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमतरी में बड़ी कार्रवाई है गांजे को लेकर। सुभाष साहेब हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ कार्रवाई हुई है और आगे क्या होगा? हाँ राहुल, देखिए बता दो, गांजा तस्करी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है ये, सामने आया है ये। जी बता दो, एसपी प्रशांत ठाकुर की टीम ने ओडिशा से गांजा की तस्करी कर रहे दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से करीब 2 करोड़ की लागत की 10 क्विंटल 55 किलो गांजे जब्त किए हैं। राहुल, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एंटी पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एसपी प्रशांत ठाकुर के अनुसार इनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि धमतरी के रास्ते से एक बड़ी गांजा की तस्करी हो रही है। सूचना पर टीम को पॉइंट दिया गया और एसडीओपी मयंक रणसिंह की टीम के साथ बुराई से हवा मार्ग पर संदेह के आधार पर ट्रक को रोका गया। राहुल, सुभाष जी ने बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह है जिस पर कार्रवाई हुई है, तो क्या दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर जांच शुरू होगी और इसके जो नेटवर्क खंगाला जाएगा? जी राहुल, जाहिर सी बात है अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की जांच होगी और इनको खंगाला जाएगा। पूछताछ अभी भी जारी है इनसे, इनका लिंक कहाँ कहाँ है। जी राहुल, सुभाष, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।